भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तुम ही न पिता वसो तुम माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुन्नमी महे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय आर्यभद्र पुरुषों, मातृशक्ति, कल किसी सज्जन ने एक प्रश्न भेजा था और प्रश्न ये था कि संसार में मनुष्य को मानसिक शांति कैसे प्राप्त। दो प्रकार का सुख है, शारीरिक और मानसिक। तो आज व्यक्ति के पास शारीरिक सुखों के सारे साधन हैं, फिर वो मन में प्रसन्न दिखाई नहीं देता, मन से सुखी दिखाई नहीं देता, मन में उसके आनंद दिखाई नहीं देता। वह उसके जो विचार हैं उन विचारों में वो आनंदित सा दिखाई नहीं देता, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक प्रकार से वो मनोमालिन्य उसके भीतर दिखाई देता है। तो ऐसा शास्त्रीय समाधान क्या है जो हम अपने व्यवहार काल में आनंदित रह सकें। सुबह से शाम तक का जो हमारा व्यवहार काल है अपने काम करने में, सुबह से शाम तक जो भी हमारी दिनचर्या है, अपने व्यापार हैं, नौकरी हैं, कोई भी काम है, उन सब में हम अपने मन को कैसे प्रसन्न रख सकें, कैसे प्रसादित रख सकें, उसके लिए शास्त्र में क्या उपाय है, ठीक है ना। उसके लिए शास्त्र में ये समसामयिक ऐसी समस्या है कि जो अत्यधिक लोगों के साथ रहती है कि सब होने के बाद भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं रहता। तो मैंने आपके सामने निवेदन किया था या नहीं किया था मुझे ध्यान में नहीं है, कहीं और किया होगा, कि जीव का जो लक्षण है उसमें पहला लक्षण इच्छा है। जीवात्मा इच्छा करता है, ईक्षण करता है, इच्छा करता है, जीवात्मा में इच्छा है। और इच्छा पूरी न होने पे मनुष्य के अंदर द्वेष पैदा होता है, क्योंकि हमारा मन अनंत इच्छाओं वाला है, अनंत प्रकार की इच्छाएं करता है। तो हम लोग अपने मन के वशीभूत हैं, मन संकल्प विकल्प में लगा रहता है, और मन और बुद्धि जो है, बुद्धि भी जो है निर्णय करने में जब समर्थ नहीं रहती तो मन उस पर हावी हो जाता है, तो फिर बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती तो विमूढ़ता आ जाती है। इसके पीछे और भी दिन भर के हमारे और सारे काम हैं, जैसे क्रोध है, काम है, लोभ है, ये सब चीजें भी इसको प्रभावित करती है। तो हमारा मन कैसे ठीक रह सके, प्रसादित रह सके, इसके संबंध में महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में एक सूत्र दिया है। वो कहते हैं कि मन संकल्प करता है, मन भावनाएं करता है। आप अपने मन में संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जो आपके मिलने वाले लोग हैं, जिनसे आपका संबंध रहता है, चाहे पारिवारिक जन हो चाहे बाह्य जन हो, उन सब के चार भेद हैं। उन सब मनुष्य कितने भेद हैं, चार।
पहले हैं सुखी, दूसरे हैं दुखी, तीसरे हैं पुण्य आत्मा और चौथे हैं दुर्जन व्यक्ति। ये चार प्रकार के आदमी, चार प्रकार के लोग आपके संपर्क में रहते हैं। आप इनके संपर्क में रहते हो, रहते न रहते बोलो, आपसे सुखी भी हैं और आपसे बोलो दुखी भी हैं, आपसे सुखी लोग भी हैं और बहुत दुखी लोग भी हैं। आपको सुखी लोग भी मिलते हैं और दुखी लोग भी मिलते हैं, आपको सज्जन मिलते हैं और दुर्जन मिलते हैं। तो इनमें हम कैसे बरतें, इन सब से मिलकर के, इन सब के मध्य में हम अपने मन में इनके प्रति कैसी भावना रखें, कैसे बरतें जिससे हमारा मन प्रसन्न रह सके। क्यों श्यामलाल जी कैसे बरते इनमें, तो शास्त्र इसके लिए समाधान देता है। वो कहते हैं सुख दुख पुण्य पुण्य भावना चित्त प्रसादनम, सुख दुख पुण्य अपुण्य मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा, चार प्रकार की भावनाएं बनाओ। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा, पहली मित्रता का भाव, दूसरा करुणा का भाव, तीसरा प्रसन्नता का भाव और चौथा उपेक्षा का भाव। बहुत सावधान होकर सुनना, मित्रता का भाव किनके प्रति, जो सुखी लोग हैं उनके प्रति मित्रता का भाव। आपके आपके जो दुख है ना मनुष्य के, वो अपने कम हैं, दूसरे को देख करके ज्यादा है। सुखी व्यक्ति को देखने के बाद आपके मन में उसके प्रति मित्रता का भाव नहीं आता, द्वेष का भाव आता। ये कैसे हो गया, ये मेरे से ज्यादा सुखी क्यों हो गया, इसके पास इतनी बड़ी कार क्यों हो गई, इसके पास इतना बड़ा बंगला क्यों हो गया, हाय इसका व्यापार इतना क्यों बढ़ गया। बोले डहा होती ना समाज के भीतर, क्यों जी देखते नहीं देखते आप रोजाना, और ये डहा आपको शांति से जीने नहीं देगी, याद रखना। आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसको तो परमात्मा कृपा, वो तो लगाया काम पर मेहनती पुरुषार्थी है, लेकिन आप अपने चित्त को इतना खराब कर लोगे कि आपकी शांति भंग हो जाएगी। आप देख लो, कोई भी सुखी व्यक्ति मिले आपको, सुखी व्यक्ति के प्रति, अच्छा मुझे बताओ संसार में जो द्वेष होता है वो अपने से अच्छे के प्रति होता है खराब के प्रति होता है, अच्छे के प्रति होता है। कभी किसी व्यक्ति को साइकिल पर चलने पैदल चलने वाले को साइकिल वाले से द्वेष हो सकता है, क्यों जी देखो मुझे पैदल जाना पड़ रहा है, ये साइकिल पे जा रहा है, आए मर गया मैं तो, भगवान तो साइकिल भी नहीं दी, इसके पास साइकिल है अभी नहीं लेके आया है, पता नहीं कहां से रुपए आ रहे हैं। और साइकिल वाले कार वाले से द्वेष होता है, हमें पास तो हमारे पास साइकिल ही है, हमें तो भगवान ने साइकिल ही दी है, इसको कार दी है, देखो कैसे मजे में फिरता है, हॉर्न कितनी जोर से बजाता है, हमारे कान फोड़ देता है। आप चारों ओर देखो, संसार में चारों ओर देखने में मिलता है जो आपसे सुखी व्यक्ति है उसके प्रति हमारे मन में बोलो द्वेष का भाव पैदा होता है, हाय इसके पास क्यों हो गया। अच्छा मुझे बताओ सब जने ईमानदार जोर से बोल के बताना, यदि ऐसा भाव किसी के मन में रहता है क्या ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से सुखी रह सकता है, जोर से बोलो नहीं रह सकता। वो अपने आनंद को भी खराब करता है और दूसरे के चित्त को भी खराब करता है। तो पहला सूत्र है जीवन का, सुखी व्यक्ति को देख करके उसे अपना मित्र मानो, ये मेरा मित्र है, और मित्र से मित्र को कभी, मित्र है जो मित्र से कभी द्वेष ना करे, मित्र तो है ही, मित्र से चक्षुषा सर्वाणी, वेद कहता है सारे जगत को मित्र की भावना से देखो। शत्रु की भावना से देखते हो तभी तो परेशान हो, आपका कोई शत्रु नहीं है, आप अपने आप में अपने शत्रु हो,
इसलिए गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य का कोई शत्रु नहीं, अपना शत्रु मित्र स्वयं है। दुष्मन दो मैंने खराब, मन मैंने मन। जब आपका मन खराब होता है तब आपको दुश्मन दिखाई देते हैं, और मन अच्छा हो जाए तो सुमन दिखाई देते हैं। अपने मन को शुभ बना लोगे सुमन हो जाओगे, खराब बना लोगे दुश्मन हो जाओगे। एक बात और देखने में आती है, व्यक्ति स्थित प्रसन्न है ही नहीं, लेकिन एक बात और है, आदमी अपने दुख से दुखी नहीं दिखता इतना जितना दूसरे के सुख से दुखी दिखाई देता है। इसलिए संसार में इसीलिए दुख है, इसीलिए दुखी है हम, आधे तो बिना बात के दुख है हमें। इस दुख का कोई कारण नहीं है, हमें रोटी ठीक मिल रही है, मकान भी है, लेकिन हम इसलिए दुखी नहीं है कि हमारे पास नहीं है, इसलिए दुखे दूसरे के पास हमसे ज्यादा क्यों है। अब बताओ इसका क्या इलाज हो सकता है कि नहीं? और फिर उसकी हानि करने में भी लगने में भी दिक्कत नहीं मानते। यदि समाज के भीतर सबके भीतर एक भाव आ जाए, नहीं कि जितने सुखी लोग हैं सब अपने ही तो हैं, अपने पन की भावना पैदा हो जाए, द्वेष रहेगा, और जिस दिन आपके हृदय से द्वेष निकल जाता उस दिन आप सुखी हो जाते हो। आप दूसरे के वैभव को देख के प्रसन्न हुआ करो, बस पहला सूत्र। उन्नति किसी की हो तो उसकी प्रशंसा करो, बहुत अच्छा हुआ। मैं इस मामले में अपने आप में फिट रहता हूँ, मैं बड़ा प्रसन्न रहता हूँ इस मामले में। जब मैं आपके घरों में जाता हूँ, आपके साधनों में जाता हूँ, आपके साथ रहता हूँ, तो मुझे आपके वैभव को देख के बहुत प्रसन्नता होती है। और मैं सच कहता हूँ, इतने आप भी खुश नहीं होते हो जितना मैं खुश होता हूँ। क्यों? मुझे लगता है अपने लोग बढ़ रहे हैं तो मानो हम ही तो बढ़ रहे हैं। आपके सुख हमारे तो सुख हैं। मेरे किसी परिवार में, मेरे किसी यजमान परिवार में, आप किसी परिवार में दुख होता तो मुझे भी तो दुख होता है, और आपके घर में खुशी होती मैं खुश होता हूँ। क्यों? मुझे मेरे भीतर एक भाव आया कि मेरे सब मित्र हैं, आप सब अपने हो। अपनापन रखोगे तो फिर द्वेष का भाव पैदा ही, बोलो। आज हमारे भीतर से अपनापन कम हो गया है, चाहे रिश्तों में देख लो चाहे संबंधों में देख लो। इसलिए भाई भाई का शत्रु बना बैठा है, भाई भाई के वैभव को देख के प्रसन्न नहीं है, भाई को भाई। एक दूसरा और समस्या आती है, एक और है मन को एक ठीक करने का, कि तो भाव बनाओ ही कि जो सुखी व्यक्ति हैं वो हमारे मित्र हैं। पर जब आप लोग सुखी हो ना तो अपने मन के अंदर अहंकार रहित होकर के जियो। तो फिर सुखी व्यक्ति को दुखी व्यक्ति को भी देखना चाहिए। दूसरा भाव ये है कि कोई सुखी व्यक्ति है, आप मानो सुखी हो, आपके पास वस्तु है, पर दूसरा आपसे कमजोर है, गरीब है, दुखी है, तब आपका मन कैसे उत्तम बनेगा? उस दुखी व्यक्ति की सहायता करके। उस दुखी व्यक्ति के प्रति ये भाव कि ये दुख में है तो मैं इसके दुख को दूर कर सकूं, दुख का निवारण कर सकूं, ऐसा भाव जब आपके चित्त में आता है तो बोलो आप मानसिक रूप से अच्छे बनते हो कि नहीं बनते हो। केवल भाव आ जाए आपके मन में, मुझे इसके दुख को दूर करना है। कारुणिक करुणा आपके मन में हो, दूसरे के दुख को देख करके आपके हृदय में करुणा पैदा हो, तो का सुखी व्यक्ति के प्रति मित्रता का अभाव और दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा का अभाव, उसके दुख को दूर करने की आपके मन में तीव्र इच्छा हो। जैसे आपके पास भोजन है और कोई भूखा व्यक्ति आ गया तो कहता है बाबूजी मैं बहुत भूखा हूं, मुझे बहुत भूख लगी है, दो रोटी दे दीजिए। और आपने अपने भोजन में से दो रोटी उसको दी तो तब देखना वो आपके सामने जब भोजन खाता है तो भूख तो उसकी शांत होती है, पेट तो उसका भरता है और मन आपका भरता है। आप किसी अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखाते हो, रास्ता बताते हो, सड़क पार कराते हो, बहुत बड़ा काम नहीं है, और उसके बाद जो शांति आपके मन में पैदा होती है वो कहीं दुकान पर प्राप्त नहीं हो सकती, खरीदी नहीं जा सकती। आपके हृदय में जब दूसरे के प्रति दुख को दूर करने की तीव्र भावना पैदा हो जाती है, उसका दुख दूर करूं, तो निश्चित रूप से आपका मन निर्मल होना प्रारंभ हो जाता है, पवित्र होना प्रारंभ हो जाता है। मैं भी पढ़ रहा था इतिहास की किसी पुस्तक में, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन,
जार्जवासी कटन चले जा रहे थे एक दिन रास्ते से, उस समय गाड़ियां नहीं होती थी, बग्घियां होती थी। आज भी राष्ट्रपति के लिए बग्घी का प्रयोग भारत में भी किया जाता है, घोड़ों की बग्घी यहाँ भी रखी है राष्ट्रपति भवन में। तो राष्ट्रपति कहीं जाते हैं आसपास तो बग्घी में जाते हैं बैठ के, घोड़ों की आज भी है। राजे महाराजों के काल से ऐसे चला आ रहा है तो बग्घी रखी है। तो वहां बग्घी में बैठ के जा रहे थे, घोड़े की चार घोड़ों की बग्घी थी, चले जा रहे थे। रास्ते में उस राष्ट्रपति ने, इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति, उसने देखा कि एक सुअर का बच्चा नाली में फंसा हुआ है, गटर में फंसा हुआ, निकल नहीं रहा है। उसने बग्घी रुकवाई, कोचवान से कहा बग्घी रोको। बग्घी रुकी और वो राष्ट्रपति नीचे उतरे और जहां नाली थी वहां पहुंचे और अपने हाथों से कीचड़ में से उस सुअर के बन निकाला और निकाल करके फिर उसको प्लेन मार्ग पर रखा। वो चला गया, हाथ गंदे हो गए, पानी तो वहां था नहीं, अखबार से हाथों को ऐसे साफ किया और फिर बैठ के बोले आगे धो लेंगे जहां पानी मिलेगा। उस सारे दृश्य को उस कोचवान ने देखा और कोचवान ने कहा बाबूजी आप मुझे कह देते ये काम तो मैं भी कर देता, आपके आदेश को मानता। उसने कहा भैया कर तो तुम भी देते, पर मेरे हृदय में जो आग लगी थी ना करुणा की, वो कैसे शांत होती। मुझे लगा कि इसका दुख मेरा दुख है। जिस दिन आपके भीतर भाव हो जाए कि दूसरे की पीड़ा मेरी पीड़ा है, दूसरे का कष्ट मेरा कष्ट है, तो फिर आप किसी को दुख कैसे दे सकते हो बताओ मुझे। दुख देने की बात तो सोचो, सोच नहीं छोड़ो, आप दूसरे के दुख को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो जाओगे, प्रयत्नशील। और जब किसी के दुख को दूर करते हो, किसी के पैर का कांटा निकालते हो, जब कोई किसी के पैर का कांटा निकालता, निश्चित रूप से अगली बात सुनना ध्यान से, दूसरे के पैर का कांटा निकालने से आपके दिल की चुभन कम होती है। कांटा किसी के दूसरे के पैर में गड़ा है, उसकी पीड़ा आपको अनुभव हो रही है, तो आप कारुणिक व्यक्ति हो। दूसरे की पीड़ा आपको अनुभव होती है तो आप कठोर नहीं हो, फिर आप कारुणिक हो। और यदि आप पीड़ा दे के आनंद ले रहे हो तो फिर आप राक्षस वृत्ति हो। अभी पिछले दिनों एक वहां एक जगह एक आश्रम बनाया उन्होंने, तो मैं मुझे उसको उद्घाटन में यज्ञ के लिए गया गाजियाबाद के पास। तो साधु रितंबरा जो हैं वृंदावन वाली, उनको सब जानते हैं। रितंबरा पहले हिंदू ब्रांड फायर ब्रांड नेता रही है विश्व हिंदू परिषद की, अब तो वो गुरुकुल विद्यालय चलाती है वृंदावन में, यहाँ अहमदाबाद में भी आई हूँ, कथा भागवत वगैरह भी करती। वो उनके द्वारा होना था, एक वो थे, एक मैं था और एक सुरेश के चव्हाण जो सुदर्शन टीवी चलाते हैं, एक वो थे, बस हम तीन ही लोग थे मुख्य, तो बाकी तो वहाँ बड़े वरिष्ठ लोग थे, पर मंच हम तीनों के लिए ही था, मंच पर हम तीन ही लोग बैठे और कोई नहीं था। तो उन्होंने वो आश्रम जो बनाया वो ऐसे लोगों के लिए बनाया जो सड़कों पर पड़े रहते हैं। एक डॉक्टर हुए मध्य प्रदेश के किसी स्थान के डॉक्टर हैं वो भारद्वाज, उन्होंने पहले अपने घर में प्रारंभ किया, फिर बहुत बड़ा आश्रम बनाया। तो उन्होंने उन लोगों के लिए बनाया कि जो सड़कों पर पड़े रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं, बड़े बड़े बाल हो गए ऐसे पड़े रहते हैं, सड़े हुए से पड़े रहते हैं, किसी की टांग कटी हुई है, किसी का हाथ खराब है, ऐसे लोगों को उठा के ले जाते हैं आश्रम में, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें रखते हैं वहाँ जिन्हें कोई भी नहीं है, उनके अंतिम संस्कार कोई मर जाए तो वही करते हैं, भोजन की दवाई की सबकी व्यवस्था करते हैं। ये सेवा का बड़ा काम। तो वहाँ मैंने देखा बहुत से लोग हैं पागल से भी, विक्षिप्त से भी हो गए कुछ लोग, तो उनके बाल काटे, ड्रेस पहनाई उनको, ठीक ठीक रखा, फिर उनको ढंग से तीन समय भोजन, सारी व्यवस्थाएं, मतलब लाखों रुपये रोज खर्च होता है, लाखों रुपये रोज कर्मचारियों पर, दवाइयों पर, सब पर, फिर भी लोग दे रहे हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट ना हो तो कैसे काम चले, ये दया का भाव ही तो और क्या है। आप इन संस्थाओं को बढ़ाते हो दया से ही तो बढ़ाते हो, दया ना हो तो कौन दे। तो दया तो हम मनुष्य का जीव का गुण है, दया तो उसे दया होती है, पर कभी कभी वो संस्कारों से कठोर हो जाता है, उस करुणा के भाव को छोड़ देता।
तो कह रहे थे, जो उसके संस्थापक थे उन्होंने एक बात कही कि जब हम इनकी सेवा करते हैं, इन्हें ठीक करते हैं, तो ये ठीक तो ये होते हैं, पर हमारी आत्मा को जो संतोष पैदा होता है उसकी प्राप्ति अरबों रुपए दे करके भी नहीं की जा सकती। आत्मिक संतोष आपको जिन कामों से हो जाए उन्हीं कामों को यज्ञमय कर्म कहा है। आत्मिक संतुष्टि जिनसे हो जाए, अब अरबपति व्यक्ति भी संतुष्ट नहीं है, बोलो है क्या संतुष्ट, दुखी हो रहा है बेचारा। इसलिए कहा दूसरा भाव करुणा का भाव, कारुणिक बन जाओ, दूसरे के दुख को अपना दुख मानना प्रारंभ कर दोगे तो आप इतने उत्तम हो जाओगे, आपके जीवन में वो शांति हो जाएगी जिसकी तुलना आप कर नहीं सकते। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, और दूसरे के दर्द में आंसू बहाना सीख ले, और जो खिलाने में मजा है आप खाने में कहां, सेवा में भगवान की तू दर्शन पाना सीख। परमात्मा उन्हीं से, उन्हीं को प्राप्त होता है जो कारुणिक है, दयालु है। चूंकि परमात्मा दयालु है कि नहीं, तो उनके गुण कर्म स्वभाव को स्वीकार तो करना पड़ेगा। आप निष्ठुर होकर के भगवान के भक्त नहीं हो सकते, कारुणिक हो जाओ। रिश्दानंद के जीवन को देखो, मैं जब पढ़ता हूँ रिश्दानंद के चरित्र को, तो ऐसा मजबूत व्यक्ति दिखाई नहीं देता, जिसको लोग सांप फेंकते हो, जिसके ऊपर जहर पिलाते हो तो मुस्कुराता हो, जिसको लोग गाली देते हो तो भी मुस्कुराता हो, और कितना कितना मजबूत रहा होगा रिश्दानंद का जीवन। सर्दी जो पड़ती उत्तर भारत में, गंगा के तट पर अभी भी आपको रात में ठंड लगेगी, इतनी गर्मी में भी, लेकिन आप नवंबर दिसंबर और जनवरी के महीने की जरा सोचो, उस समय रिश्दानंद के तन पर कोई कपड़ा नहीं होता था, कितने वर्ष नंगे ही रहे केवल कोपीन में, कितने वर्ष घर से निकलने के बाद 21-22 वर्ष की अवस्था से लगा करके, और लगभग 45-50 वर्ष की अवस्था तक ऋषि ने कपड़े ही नहीं पहने, एक लंगोट में रहे, और वो रेत उनका बिछोना था, और ईंट का बिस्तर लगा ले, सिराना लगा ले, ईंट रख ली, पत्थर रख लिया, कैसी कठोर तपश्चर्या की होगी, जिसको संसारी कोई वासना नहीं हिला पाई, जिसके आंसू नहीं निकलवा पाए, सारे विरोधी भी जिसको हरा नहीं पाए। और ऋषि एक दिन रोया, देखो करुणा ऋषि दयानंद के हृदय की, महापुरुषों के भीतर करुणा का भाव जरूर रहता है, करुणा व्यक्ति को महापुरुष बनाती, बड़ा बनाती। गंगा किनारे स्नान जी महाराज बैठे थे संध्या में, ध्यान में मग्न थे प्रातःकाल, एक महिला ने आकर के गंगा में कुछ बहाया, उसकी आवाज हुई तो ऋषि की समाधि टूटी, और उस माता ने, उस बहन ने, उस महिला ने जब कुछ बहाया तो कुछ उठाया भी, कपड़ा उसके हाथ में था एक इतना बड़ा। स्वामी जी ने कहा, माता आपने गंगा में क्या प्रवाहित किया है? वो महिला फूट फूट के रोने लगी, महात्मा जी आप तो साधु हैं, आप तो संसार के सब दुखों से कष्टों से अलग हैं, संसार की वासनाओं से विरक्त हैं। मेरा एक बेटा था 4-5 वर्ष का, वो बीमार हो गया, मैं इतनी गरीब हूँ उसका इलाज नहीं कर पाई, किसी ने मेरी सहायता भी नहीं की, गरीबी के कारण से बिना इलाज के मेरा बेटा संसार से चला गया। हे धनवान लोगों, आपके पड़ोस में यदि कोई व्यक्ति भूख से मरता है तो आपके लिए इससे बड़ा कोई शाप नहीं हो सकता, आपके देखने भूख से कोई मर जाए, आपके रहते हुए आपका पड़ोसी दवा के बिना मर जाए तो आपके धन को धिक्कारी तो, और क्या है धन का क्या करोगे बताओ मुझे। कहते किसी ने सहायता नहीं की, नहीं मिला, आज मेरा बेटा समाप्त हो गया, और मैं, मेरे पास इसकी अंतिम क्रिया के लिए भी कोई साधन नहीं था, बस मैंने सोचा गंगा में प्रवाहित कर दूं, गंगा इसको अपनी गोद में समा लेगी, और मैं उसको यहाँ तक ले आई थी, अब मैंने उसको गंगा को समर्पित कर दिया है। स्वामी जी बोले, माँ संसार में जो आता है उसको एक दिन जाना होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं पूछता हूँ तूने ये कफन भी बच्चे को उतार लिया है, कैसी माँ है तू, कफन कौन उतारता है,
तुझे क्या कफन अपने बच्चे से प्रिय है? जब ये कहा तो माँ वो फूट फूट के महिला रोने लगी और बोले, स्वामी जी संसार में किसी भी महिला को अपनी इज्जत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मेरे पास कोई दूसरी धोती नहीं है, कोई साड़ी नहीं है, एक ही धोती मेरे पास थी, उसी का एक छोर फाड़ करके लाई थी, अब इसको धोकर के दोबारा उसमें जोड़ लूंगी। अब जरा कल्पना करो, शिवानंद रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए। तब किसी ने लिखा था, तुमने किसी पहाड़ को रोते हुए देखा है? तुमने किसी पहाड़ को रोते हुए देखा है? दयानंद वो पहाड़ था जो पल में रो पड़ा। ऐसे पहाड़ जैसा सीना जिसका हो, जो हर बाधा से लोकेशना पुत्रेशना की वासना जिसको कभी हिला ना पाई हो, जिसको संसार का कोई लोभ नहीं हिला पाया हो, कोई किसी प्रकार का भय जिसको व्याप्त ना हो, ऐसा पहाड़ जैसा ऋषि भी पिघल गया, करुणा में बह गया, आंखों में आंसू आ गए। रात भर सो नहीं पाए ऋषि दयानंद। और बलदेव नाम के सेवक ने पूछा, स्वामी जी आपको क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है, क्या कोई दवाई लेकर के आए, औषधि लाए, कोई पीड़ा हो? तो ऋषि ने कहा, बलदेव मेरी बीमारी का इलाज किसी वैद्य के पास नहीं है। ये तो हृदय की पीड़ा है, ये तो हृदय की पीड़ा है, हृदय की पीड़ा है तो करुणा की पीड़ा है, दया की पीड़ा है। कि जब आपके हृदय में करुणा आ जाए, दया आ जाए, करुणा का भाव जागृत हो जाए, तो समझो आपका हृदय पवित्र हो रहा है। तो पहला सूत्र है सुखी व्यक्ति से मित्रता, दूसरा सूत्र है दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव, और तीसरा है उत्तम पुरुषों के प्रति, जो बहुत पुण्य आत्मा हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, विद्वान हैं, सन्यासी हैं, धर्मात्मा हैं, उनसे मिलकर के मुदित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे अच्छी बात सुनने का अवसर मिलेगा, अच्छे लोगों के संग का अवसर मिलेगा, रोज थोड़ी प्राप्त होता है। उनके साथ बैठने के लिए, उनको घर बैठने के लिए अवसर ढूंढो। आपका मन इतनी देर जित देर साथ रहे उतना प्रसन्न रहेगा। संसार की सारी समस्याओं का समाधान आपको बताएंगे। इसलिए अच्छे लोगों का संग करते जाओ। मानसिक रूप से शुद्ध रहना है तो क्या करो, उत्तम लोगों की संगति करो, सत्संग करो, मुदितता प्रसन्नता का भाव रखो सत्संग के प्रति, विद्वानों के प्रति। और अंतिम बात की, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, दुर्जन हैं, दुर्जन वह हैं जो दूसरे का काम बिगाड़ने में लगे रहे, उनका अपना कोई लाभ हानि ना भी हो तो भी काम बिगाड़ने में लगे रहे, रोजाना हानि करने में लगे रहे दूसरों की, दुर्जन व्यक्ति से ना मित्रता करो और ना बोलो शत्रुता करो। शत्रुता करोगे तो भी आपका चित्त खराब होगा और मित्रता करोगे तो भी आपका चित्त खराब होगा, तो उनके प्रति ना मित्रता का अभाव ना शत्रुता का अभाव। इसलिए लिखा था रहीम ने, रहीमन ओछे नरंते तजो बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दोनों फल विपरीत। कुत्ता काटे तो भी हानि और कुत्ता चाटे तो दुर्जन व्यक्ति का प्यार भी खराब है और दुश्मनी भी खराब है। दुर्जन व्यक्ति प्यार में धोखा देगा, उसका स्वभाव है प्रेम करेगा तभी धोखा देगा, यारी में ख्यारी करेगा, सच्चा यार नहीं बन सकता दुर्जन व्यक्ति। इसलिए उससे बच करके रहना, न उसको बच करके रहने में लाभ है, झगड़ा करके भी लाभ नहीं, अपना चित्त खराब होगा। सर दुर्जन से बच के रहो, उपेक्षा का भाव, उपेक्षित कर दो उसको, तेरा सब तेरे पास, हम तुझसे कुछ लेंगे नहीं, तुझसे हमारा कोई लेना देना नहीं, ना हम तुझसे प्रेम करते ना शत्रुता करते, प्रेम करोगे तो भी दिक्कत, शत्रुता करोगे। इसलिए चार बातें समझ में आ गई, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा सुख दुख पुण्य पुण्य भावना चित्त प्रसादनम, ऐसा यदि आप कर पाए तो आपका चित्त प्रसन्न रहना प्रारंभ हो जाएगा। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि।
ओम शांति शांति। ती जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की। सभी को सादर नमस्ते जी।